तो कहानी शुरू होती है कुणाल से, जो पिज्जा डिलीवरी करने जा रहा है। बेटा लिफ्ट रोकना, एमीवे वर्सेस कृष्णा देखने जाना है। शिट यार, अब बुढ़े अंकल पे भी डिस देखने का भूत सवार हो जाएगा। तो इसे जाना है 14th फ्लोर पे, मगर तभी हुआ मैट्रिक्स में ग्लिच और ये लिफ्ट 13th फ्लोर पे रुक गई। मगर ये देखता है कि इसके पीछे खड़ा है वो बुढ़ा इसकी तरफ आ रहा है। इसने एमीवे वर्सेस कृष्णा का डिस नहीं देखने दिया ना, इसीलिए। बुड्ढे ने इसे दबोचा और निकल गई इसकी स्क्रीम, मगर ये तो था इसका ड्रीम। So that was a fucking lie. तो गाइस, कुणाल अपनी बीवी जो अनएम्प्लॉयड और गरीब, आई मीन एक राइटर है, वो भी हॉरर राइटर हां, पर इसने इंस्टाग्राम पे लंबे लंबे पोस्ट के सिवा कुछ नहीं लिखा है। शट अप, जाके सो जाओ, मुझे बहुत काम करना है। और कुणाल है एक पिज्जा डिलीवरी गाय, जिससे ये मालूम पड़ता है कि इन दोनों के पास बहुत सारी संपत्ति है, जहां ये पत्नी और ये उसका पति है। अरे वाह। मगर एक दिन छतरी में छेद होने के कारण इसकी बीवी को खट्टा खाने का मन कर रहा है आज मोला, और कुणाल इस बात से झूम उठा है क्योंकि उसके पास इतनी संपत्ति है कि 40 बच्चे करके उनका डोनेशन देके हॉगवर्ड्स में एडमिशन करवा सकता है। अच्छा। पर एक दिन इसका बॉस मिस्टर कपूर इसको मिठाई का एक डब्बा देके बोलता है, ये देख, मौत लगी इस पे, मौत। इसे घर ले जाओ और मेरी बीवी की डिलीवरी कर दो। डब्बे की डिलीवरी मेरी बीवी को कर दो। ओके सर। तो कुणाल 300 का पेट्रोल चला के इसके घर पहुंचता है, जहां है इसकी बीवी। क्या करूं मैं, इतनी सुंदर हूं तो आप ही बताओ। गायब हो गई। और ये जैसे ही घर में घुसता है, इसके ऊपर होता है हमला और वो कहती है, मैं अंजलि हूँ, मुझे अंजलि बुला, आमी अंजलि का। अरे फोन लगा सबको। तो बॉस वो करता है जो हर मेंटली इल पेशेंट के साथ करना चाहिए यार, बंगाली बाबा से इलाज। Yes, science. कौन है तू? खुद को अंजलि क्यों कह रही है? रियल आईडी से अंजलि, कौन है तू? किससे बदला लेना चाहती है? Oh, तो अब इसका बॉस कहता है, कुछ दिनों से इसका यही हाल है, मैंने बहुत तांत्रिकों को दिखाया पर कोई हल ही नहीं निकला। कुछ पागल लोग कहते हैं कि इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, मगर तुम ये बात किसी को मत बताना प्लीज। और ये जाके ये बात अपने दोस्त, बीवी, पड़ोसी, चचेरे, ममेरे, ठेके वाले सबको बता देता है। तो अगले दिन इसके पास ऑर्डर आता है, चिकन मैक्रोनी पिज्जा विद पाइनएप्पल एंड ओरियो। तो इसका बॉस इसे प्यार से बोल के फिर से मिठाई का डब्बा घर पहुंचाने के लिए बोलता है। मेरी बीवी खा नहीं जाएगी तुम्हें। तो ये 450 का पिज्जा डिलीवरी करने पहुंचता है और अंदर तो पहले से ही स्नैक बैठी है यार, जिसने ये स्नैक मंगवाया है, मगर उसके पास 1000 का नोट। 1000 का नोट? 1000 का नोट? 1000 का नोट? मैडम, मेरे पास खुले नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। और वो लड़की गायब हो गई, कहां गई? ओ, ये तो छुट्टे ढूंढ रही है। तो ये छुट्टे की तलाश में अपने कमरे में चली गई, मगर कुणाल कमरे में जाके देखता है कि उस लड़की की लाश दीवार पे टंगी हुई है। What the fuck? तो ये वहां से भागने का ट्राई करता है, मगर ये घर तो जाकिर के दिल की तरह सख्त है, टूटता ही नहीं यार। बताओ, तो ये अपनी बीवी निकिता को कॉल करता है और उसको एंटोपिल बुलाता है बीफ करने के लिए, मगर तभी दरवाजे पे आया जिस्म 2, जो अपनी बीवी पे कर रहा है शक। What the fuck? तो वो अपनी बीवी को कॉल करता है और कुणाल उसे बताता है कि यहाँ पे क्या हुआ, मगर इसे अब कुणाल पे भी शक है, डबल ट्रबल यार। तो वो दरवाजा खोलने का ट्राई करता है। सर, दरवाजा नहीं खुल रहा सर, मैं बता रहा हूँ ना सर, 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 ये भी गायब हो गया। तो ये जिस्म 2 के नंबर पे कॉल करता है, मगर फोन की आवाज तो घर के अंदर से ही आ रही है। तो ये रिंग को फॉलो करते करते बाथरूम तक आ जाता है और बाथ टब में कुछ तो है। ये गैस कौन छोड़ रहा है कि तभी बाथ टब से निकला जिस्म 2, कि तभी डोर पे इसकी बीवी आ गई। ओ यार, अब ये फाइनली बचा लेगी, मगर इस पे जिस्म 2 और हॉट भूतनी ने हमला कर दिया। व्हाट द फक। मगर तभी बजा फोन
और उधर बॉस को चिंता हो रही है इसकी नहीं बे, मिठाई के डब्बे की। तो ये अब घर से बस किसी भी तरह निकलना चाहता है यार, मगर इसे देखिए एक जिमनास्ट करती हुई लड़की जिसका नाम है अंजलि। तो ये कुछ ज्यादा ही मैनिफेस्ट हो गया यार। कुणाल घर से बाहर नहीं जा पा रहा और इसे दिखी उन तीनों की लाश। कुणाल अब शायद मरने वाला है, उसे ये तीनों डरा रहे हैं, कभी इसकी बीवी बनके कभी अंजलि। मगर तभी वहां आ गई हमेशा की तरह लेट पुलिस, और पुलिस इसे बताती है कि ये घर तो पिछले 4 साल से अबैंडेंड है और यहाँ एक फैमिली का मर्डर भी हुआ है और वो इसी पे शक कर रहे हैं। मगर कुणाल उन्हें बताता है कि पुलिस तो इसकी बीवी निकिता के कॉल करने पे आई है। कोई कॉल नहीं आ रहे, साले मर्डर करके झूठ बोलता है। तो कुणाल वहां से भाग जाता है, मगर तभी घर ने इन पुलिस वालों को अपना शिकार बना लिया। कुणाल अब घर भागा भागा जाता है और देखता है कि वहां तो निक्की है ही नहीं यार। तो कुणाल निक्की को ढूंढने निकल पड़ता है, मगर रास्ते में इसे मिल जाते हैं इसके बोनस चुराने वाले दोस्त। तो ये उन्हें देख के भागता है, मगर ये पीट पीट के इसे प्यार से बॉस के पास ले जाते हैं। मिठाई का डब्बा घर पहुंचा दिया था सर, सर वो उसी घर में गया छूट जहाँ पे है भूत। सर सर जब से आपकी बीवी से मिला हो ना, तब से मेरे साथ सब गलत सलत हो रहा है। चुप तेरी मैं किच। और अब बॉस भी परेशान है क्योंकि इस कहानी में वही अंजलि है जिसकी आत्मा इसकी बीवी को तंग करती है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो ये लोग उस घर में जाते हैं इसकी बाइक और बॉस की मिठाई का डब्बा वापस लेने, मगर गेट पे तो ताला है। तो ये लोग लास्ट में उसके पास जाते हैं जिसके पास जाने से सबको डर लगता है, पुलिस के पास यार। 48 घंटे से पहले कुछ पता नहीं चलेगा। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। ओ अंकल, ये बंगला बंद क्यों है? अगर मंगला अपने आप को घर बना लेगी तो उसे बोलेंगे मंगला। मुझे उल्टी आ रही है। इस बंगले में पति पत्नी रहते थे, दोनों हर नॉर्मल कपल्स की तरह मारपीट करते थे, पर एक दिन मारपीट के खेल में जिस्म 2 ने स्ट्रॉम बेकर से अपनी बीवी को मार दिया और फिर खुद मर गया क्योंकि उसे लगा कि उसकी बीवी के पेट में जो बच्चा है वो किसी स्त्री करने वाले का है। What the hell? तो अब ये बात सब में फैल गई कि उस घर में भूत है। पर अब कुणाल अजीब अजीब चीजें कर रहा है, जैसे चक्कू से 7 वालों को मारने की कोशिश, रैंडमली बेहोश हो जाना, जोन आउट रहना, ये पक्का उस भूत के वश में है भाई। No, he is high. यहाँ बॉस के लफड़े अलग चल रहे हैं, चिरंजीवी इसे कुछ तो धमकी देके जा रहा है, बताओ। तो बॉस को वो मिठाई का डब्बा चाहिए, तो ये लोग चले जाते हैं उस भूत बंगले में जहाँ वो डब्बा गायब है। लगता है प्लास्टिक का डब्बा खोल के बिल्ली खा गई। तो अब ये डब्बा लेने अंदर जाते हैं, मगर इन्हें दिखता है निकिता का भूत। What the fuck? इसका मेकअप ज़ॉम्बी स्ट्रेंज जैसा क्यों लग रहा है यार? मतलब उससे भी बेकार क्यों लग रहा है यार? मगर ये कुणाल को बता नहीं रहे कि उन्होंने निकिता को देखा, ताकि ये और पागल ना हो जाए यार। मगर कुणाल इन्हें देता है प्लॉट ट्विस्ट कि वो हरकतें ये नहीं कर रहा था, वो आत्माएं इसे दिखाई दे रही थी और इससे वो सब करवा रही थी, और इन सब से इसका बॉस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाता है। मैंने एक पैटर्न नोटिस किया कि वो भूत सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज को पकड़ रही है, और जब से निकिता उस घर की कैद में गई है मेरी बीवी नॉर्मल रिएक्ट कर रही है। तो ये लगाता है अपना लाइट यागामी वाला दिमाग कि हम कुणाल को नहीं बताएंगे कि उसकी बीवी गायब है और ऐसे इसकी बीवी सेफ रहेगी। गलत बात। तो ये कुणाल को पैसे देके बोलता है अगर तू पंजाबी है तो कनाडा चला जा, और अगर साउथ इंडियन है तो केरला चला जा, गवर्नमेंट से सवाल पूछता है तो पाकिस्तान चला जा, देख मैं तेरे को पैसे देता हूँ, ये ले 2000 रुपए, जी ले अपनी जिंदगी। तो अब कुणाल डिप्रेस्ड है, उसने निकिता को खो दिया और उसे भी पता है कि निकिता शायद अब उससे जिंदगी के पार ही मिलेगी, तो वो चाहता है करने खुदकुशी। मगर तभी निकिता जिंदा है। What the fuck? ये क्या है? मगर कैसे कैसे हो सकता है यार ये? तो फ्लैशबैक टाइम। फ्लैशबैक। तो कुणाल उस दिन पिज्जा डिलीवरी करने के बहाने निकल जाता है निकिता से मिलने, मगर निकिता ने उस चॉकलेट बॉक्स को खोल लिया और उसमें मिले हीरे 5 कैरेट डायमंड गोल्ड। यार मतलब बॉस स्मगलिंग करता है। तो इन्होंने बनाया एक प्लान कि कुणाल सबको ये कहानी बताएगा, फिर सब इस घर में आएंगे जहां निकिता भूत बनके उनका वेट कर रही होगी, और ऐसे उन्होंने हीरे भी ले लिए और पैसे भी। होली जीसस यार, मतलब होली जीनियस यार। तो अब ये दोनों आराम से अपनी न्यू लाइफ विद मनी स्टार्ट कर सकते हैं यार, फाइनली।
मगर उससे पहले कुणाल एक आखिरी डिलीवरी देने जाता है बर्थडे पार्टी में, और वहाँ पहुँचते ही वो सब होता है जो इसकी कहानी में था, और ये जिसके बर्थडे में आया है उसका नाम है अंजलि। What the fuck? पापा, पापा, आज मेरा बर्थडे है और केक आपका कटेगा। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? गोली मार। कि अंधविश्वास पे इतना भी विश्वास मत करो कि वो तुम्हें ही बर्बाद कर दे। आजकल कई लोग अपने अंधविश्वास की वजह से लूटे जाते हैं। एनी, एक पिज्जा खिला दे पाइनएप्पल के साथ। आई मीन सॉरी, गाना बजा दे यार। जो डाल।